मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन एन अर्लियर वीडियो वी डिस्कस अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स. व्हाट इज मेडिसिनल प्लांट्स? औषधीय पादप क्या होते हैं? औषधीय पादप वो होते हैं जिनको हम औषधियों के रूप में यूज़ करते हैं. वे पादप जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं. इन पादपों में कुछ केमिकल कंपोजिशंस होती है जो कि हमारी बॉडी में आकर स्पेशल टाइप की रिएक्शन करती है, जिससे हमारे शरीर में इसका यूज़फुल या फिर बॉडी में जो भी बीमारी होती है उसको क्योर करने में ये हेल्पफुल होती है. तो आज वाला जो हमारा प्लांट है वो है विदानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा. इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है. इसका प्लांट पार्ट जो है वो जो यूज़ किया जाता है वो है रूट. ये जो प्लांट है वो है डायूरेटिक स्लिपेड गैलेक्टोगेज. डायूरेटिक का मतलब है मूत्रल, स्लिपेड मतलब जिसको निद्रा की समस्या हो, अनिद्रा की समस्या हो, वो इसको सोने नींद लेने में हेल्पफुल होता है. गैलेक्टोगेज का मतलब होता है दुग्ध उत्पादन करने में सहायक होना. एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक का मतलब होता है मिर्गी की जो दवाइयाँ होती है उनमें इससे बनाई जाती है. एंटी ट्यूमर होता है ये, पेन रिलीफ होता है, आई के लिए भी हेल्पफुल होता है, हार्ट का टॉनिक होता है, और जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है, और कोलेस्ट्रॉल लोअर कोलेस्ट्रॉल है उसको सही करता है. डिप्रेशन के जो रोगी होते हैं उनके लिए सही होता है, और तनाव का सामना करता, कॉम्बैट स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव का सामना करता है. चिंता और जो लोग चिंतित रहते हैं उनको देने पे उनके दिमाग को रिलैक्स करता है, और फाइट्स कॉग्निटिव डिक्लाइन ड्यू टू ब्रेन सेल डिजनरेशन. इसका मतलब होता है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्रेन की सेल है उनके डिजनरेशन से मेमोरी का लॉस होता है, वो इससे ये फाइट करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है. इसके अलावा इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं. इसकी जो इसकी समान मात्रा, इक्वल क्वांटिटी, इसकी समान मात्रा को पाइपर लोंगम, जिसको पीपली कहते हैं, चीनी और इस और विदानिया सोमनीफेरा, और इसको साथ लेने पर घी के साथ में लेने पर डिस्पेंसिया नामक बीमारी है उसका इलाज किया जाता है. ये जो है ये इस बीमारी को बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है उनको इससे फ़ायदा होता है. इसके अलावा जो नेक्स्ट है, इसके पाउडर को मिल्क के साथ, मिल्क और घी या ऑयल या फिर ल्यूकोवाम वाटर, गुनगुना पानी के साथ में लेने पर जो लीन पर्सनैलिटी होती है, जो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती है, उसको ये इम्प्रूवमेंट करता है. इसके अलावा इसको इसके घी के साथ में इसका रस बनाए और उसके बाद में ये इनफर्टिलिटी को भी रोकता है. इसका जो लीव्स का इन्फ्यूज़न है उसको फीवर को सही करने में भी, इलाज करने में भी एक टॉनिक की तरह काम करता है. इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ किया जाता है. इसके जो रूट पाउडर है उसको उसका यूज़ अस्थमा ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फीमेल के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, क्योंकि ये जो गर्भ है उसका नुकसान कर सकता है. इसके अलावा इसके रूट का जो डिकॉक्शन है उसका जो रस निकालते हैं उसका एक्सटर्नली यूज़ भी किया जाता है, यानी स्किन के जो बीमारियां होती है, बॉयल्स, एकेजमा और रूमेटिक जो पेन होता है उसके ऊपर इसके लीव के डिकॉक्शन को लगाया जाता है. आगे नेक्स्ट जो है, काऊ के मिल्क के साथ में इसका पेस्ट बना लें, इसके जो पाउडर का काऊ के मिल्क के साथ पेस्ट बना लें, और डिफरेंट टाइप की जो स्किन डिजीज है उसके उनके ऊपर लगाए तो इसमें फ़ायदा होता है. और इसका जो रूट्स है उसका डिकॉक्शन बना लिया जाए तो ल्यूकोरिया नामक बीमारी होती है वुमन में,
उसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। अश्वगंधा के जो ऑयल है उसको पूरी बॉडी पर मसाज करें तो ये बॉडी को सूदिंग करती है, उसमें ठंडक पैदा करती है और आराम से नींद आ जाती है। इसके पेस्ट को जो बच्चों में बीमारियां होती है रिकेट्स नामक बीमारी, यदि बच्चे उससे सफरिंग है तो इसमें भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये एंटी ट्यूमर होता है, यदि रेगुलर इसको यूज़ किया जाए तो बॉडी में किसी भी तरह का कोई ट्यूमर हो उसमें हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल होता है और रेगुलरली इसको यदि मिल्क के साथ में लिया जाए तो बच्चों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से अश्वगंधा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है। इसका रेगुलर यदि यूज़ किया जाए तो ये एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो हमारी सेल्स है जो एजिंग होती जाती है उनमें सेल्स में एजिंग होने की प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो हमारी बॉडी को ये फिर से एक जीवन में देता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ईगल मार्मेलस और इसकी फैमिली है रूटेसी। इसका पार्ट जो यूज़ किया जाता है पत्तियाँ, बार्क और रूट्स। ईगल मार्मेलस जिसको बेल पत्र जिसको आप बोलते हो, बेल नाम होता है इसका, बील भी बोलते हो। इसका जो पेस्ट है टेंडर का, उसको एब्डोमिनल पेन है जो पेट में दर्द होता है उसमें यूज़ किया जाता है। और इसके साथ में इसकी पत्तियों को गर्म कर लिया जाए तो जो और चेस्ट के ऊपर बांध दिया जाए तो चेस्ट पेन जो होता है उससे भी रिलीफ, उसमें भी रिलीफ मिलती है। इसका जो फ्रूट पल्प है यानी ईगल मार्मेलस का फ्रूट पल्प है उसको यदि यूज़ किया जाए तो डायरिया और डिसेंट्री, डायरिया दस्त को बोलते हैं, डिसेंट्री पैचिस को बोलते हैं, उसमें भी लाभदायक होता है। इसका अनड्राई फ्रूट है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाए और फिर उसको डिसेंट्री और डिसपेप्सिया नामक बीमारी में यूज़ किया जाता है। इसके नेक्स्ट है यदि फोरहेड हो, माइग्रेन की बीमारी हो तो इस फोरहेड पर दिन में 2-3 दिन तक इसका जो बार्क है, बार्क जिसको बोलते हैं छाल के एक्सट्रैक्ट को सिर फोरहेड पर दिन में 2-3 दिन तक यूज़ करें तो फ़ायदा होता है। नेक्स्ट यदि इसके जो फ्रूट है उसके जूस को कैनाबिना सैटिवा जिसको भांग कहते हैं, भांग की पत्तियों के साथ में मिक्स करके लगाया जाए और मिक्स करके यूज़ करें तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और जनरल जो डेबिलिटी जनरल कमजोरी होती है उसमें ये फ़ायदेमंद होता है। एक ड्रॉप इसकी फ्रूट की जूस को। नेक्स्ट है यदि इसकी फ्रूट जूस को कैनाबिना सैटिवा जिसको भांग कहते हैं उसके साथ मिक्स कर लिया जाए और फिर लिया जाए तो ये बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करती है और हमारी जो जनरल डेबिलिटी है जनरल कमजोरी है उसको दूर करता है। इसके फ्रूट जूस की एक बूंद को आँख में डाले तो ये आई टॉनिक की तरह कार्य करती है। जिस आँख से रिलेटेड बीमारी होती है कंजक्टिविटिस, इसको 3 दिन में 3 बार इस दवाई को डाले तो ये इस कंजक्टिविटिस में भी सही करने में भी हेल्पफुल होता है। ईगल मार्मेलस 10-20 ml इसकी पत्तियाँ के पत्तियों को पाइपर नाइग्रम के साथ में मिलाकर लिया जाए तो ओडिमा नामक बीमारी उससे भी इसको रिलीफ मिलता है। ओडिमा जो बीमारी है वो है स्वेलिंग कोज्ड बाय ए बिल्ट अप ए फ्लूड जिसको ड्रॉप्सी भी कहा जाता है। इसमें पैरों में सूजन आ जाती है, इस ओडिमा जिसको ड्रॉप्सी भी कहा जाता है। तो इस बीमारी में इसकी पत्तियों को पाइपर नाइग्रम के साथ में मिक्स करके लिया जाता है, इसके जूस को यानी ईगल मार्मेलस की पत्तियों के जूस को पाइपर नाइग्रम के साथ में मिलाकर लिया जाता है।
एगल मार्मोलस के फ्रूट्स, टेंडर फ्रूट्स को, टेंडर फ्रूट्स को हनी और इस ऑयल, जैगरी, गुड़ के साथ में लिया जाए तो ये दस्त जैसी बीमारी में भी लाभदायक होता है। तो इस तरह से जो बेल है वो कई तरह की बीमारियों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कैथेरेंथस रोजियस। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। इसका प्लांट पार्ट यूज़ किया जाता है लीव्स एंड रूट्स। इस ये जो प्लांट है इसका ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी पत्तियों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी पत्तियाँ ओलिगो यूरिया जिसको बोलते हैं पेशाब की कमी, हिमेटो यूरिया इसको बोलते हैं पेशाब में खून आना, डायबिटीज़ मेलिटिस जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं, और मेनस्ट्रुअल डिसऑर्डर ये महिलाओं में मासिक चक्र से संबंधित बीमारी होती है। और इसके अलावा इसकी रूट्स और इसकी पत्तियों को के डिकॉक्शन को या एक्सट्रैक्ट को लेने पर हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप में भी सहायता मिलती है। तो मोस्टली जो ये जो प्लांट है इसको डायबिटीज़ में लिया जाता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको ये बताया जाता है। और ईगल मार्मेलस ये जो पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है उनमें सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। और विदानिया सोमनीफेरा एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विदानिया सोमनीफेरा, ईगल मार्मेलस एंड कैथेरेंथस रोजियस। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली। इन कोरोना टाइम स्टे होम, बी सेफ, यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।